भाइयों बहनों, अरे रे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? सट के क्यों बैठे? आप लोग थोड़ा दूरी बना के बैठे बेटा। जानते हो इस समय ऐसे ही हर तरफ महामारी फैली हुई है बेटा, समझे बेटा? तो आप लोग थोड़ा दूरी बना के बैठे। हाँ तो बेटा आप लोग सोचते होंगे कि ये आए और बड़बड़ बड़बड़ लगाना शुरू कर दिया। तो बेटा आप लोग हमारा खेल देखिए, खेल का नाम तो आप लोग जानते ही हो, यानी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब बेटा मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। तब तक के सभी लोगों को जय हिंद। अरे जीत रहो सारी भैया, जीते रहो, तुम्हारी उम्र हजारी हो। अरे कहाँ चल दियो भैया? अरे काकी जब देखो तब उसरे उसरे लगाए रहती हो। हमार नाम रामासरे है, कितनी बार कहन काकी तुमका। बात तो सही कहो बेटावा, ऐसा है कि बुढ़ापा में हमारे मुंह के दांत गिर गए हैं बेटावा। तो कही तो हम हुआ है, लेकिन मुंह से धोखे में उसारी नहीं करता। बुरा ना माने बेटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं काकी। अपने गांव में स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर साहब आ रहे हैं, वो अपन लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, तो हम वहीं जा रहे हैं। समय हो तो चलो मेरे साथ। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो हाँ चलो 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 चलते बेटा, हैं। चलो। सीताराम 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 सीताराम। अरे बेटा वो देखो आ गए हमारे ऊसरी भैया, और देखो हाँ हमारी बिमला बिटिया आए गई हवे। अरे काकी तुम तो जो है बहुत अच्छा बतलाती हो। अरे बेटा वाह, अब देखो डॉक्टर साहब आवे वाले हैं। और जब बढ़िया बढ़िया बातें बताई है। अरे देखो डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप हाँ लोग तो इकट्ठा हो गए ना? हाँ हाँ हो गया। हाँ तो सुनो, हम आप लोगों को कुछ जानकारियां देने आए हैं। अपने यहाँ जो महामारी फैली है कोरोना वायरस, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, तो आप लोग जानना चाहेंगे ना? हाँ 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 तो जानते हो, ये वायरस इंसानों के जानवरों के संपर्क में आने पर खांसने छींकने हाथ मिलाने से फैलता है, समझ में आया? हाँ हाँ तो और इस वायरस का आकार 400 से 500 माइक्रोन होता है, तो कोई भी मास्क रोक सकता है। आप लोग मास्क जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है। सैनिटाइजर साबुन जो आता है, जो सैनिटाइजर बनाया गया है, तो उसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं कोरोना वायरस से। हाँ और समझ में आया ना? हाँ तो और सुनो, ये वायरस हवा में नहीं रहता है। आप लोग सोचते होंगे ये हवा से फैलता है, ये हवा हवा से नहीं फैलता है। ये किसी वस्तु पर वह किसी जीव पर ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, इसलिए ये हवा से नहीं फैलता है, समझ में आया? हाँ 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 और ये वायरस धातु पर पड़ा हो तो 12 घंटे तक ही जीवित रहता है। किसी ऐसी संक्रमित वस्तु को छूने के बाद साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धोएं। दिन में कई बार अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं, समझ में आया? हाँ हाँ ठीक। जब सर्दी जुकाम हो तो दूसरे के नजदीक न जाएं, खुले में ना थूके। अगर दूसरे के नजदीक जाएंगे तो ये वायरस उसके भी फैल सकते हैं। अगर ठीक है। आपको बुखार सर्दी और सांस लेने में दिक्कत है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और उन्हें बीते दिनों की यात्रा के बारे में अवश्य बताएं। ठीक है ठीक है। कपड़ों पर ये वायरस 9 घंटे तक रहता है। कपड़ों को साबुन से अच्छी तरह धोएं एवं धूप में अच्छी तरह सूखने के उपरांत ही उसको इस्तेमाल करें। ठीक है डॉक्टर साहब। हाथ पर ये वायरस 10 मिनट तक रहता है, इसलिए अल्कोहल स्टेरिलाइजर को लगाकर बचाव करें तथा जेब में रखने की आदत डालें। बहुत अच्छी बात है।
26 से 27 डिग्री तापमान होने पर ये वायरस मर जाता है। इसलिए गर्म पानी पिए, अच्छे से धूप लें, आइसक्रीम और ठंडे पदार्थ खाने से परहेज करें। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब। गर्म पानी में नमक डालकर गरारा करें, इससे इस वायरस को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकता है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अंडा एवं किसी भी प्रकार के मांस मछली इत्यादि एवं गरिष्ठ भोजन का सेवन ना करें। ठीक है डॉक्टर साहब। बचाओ बचाओ सुनिए, नारियल तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल 1 से 2 बूंद दोनों नासा छिद्रों में प्रतिदिन डालें। ठीक है। नियमित प्राणायाम करें। ठीक है डॉक्टर साहब। उष्ण जल का सेवन नियमित करें। 4-5 तुलसी के पत्ते रोजाना प्रातः चबाकर खाएं। ठीक है बहुत अच्छी बात। सर्दी जुकाम खांसी बुखार के लक्षण मिलने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें। बहुत अच्छी बात। और हमारा तो कहना है कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें, ठीक है। बाहर जरूरत पड़े, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो बाहर निकलें, नहीं अपने घर पर ही रुकें। बाहर निकलने पर जो है अपने को रोक लें, ताकि ये जो वायरस फैला है इस वायरस से आप लोग बच सकें। तो अब हमारा यही कहना है कि आप लोग बचाव करें, बचाव ही इसका उपचार है। बात समझ में आई? हाँ ठीक है, समझ में आ गई। समझ में आ गई ना? हाँ, तो ठीक है, अब हम चलते हैं, दूसरी जगह भी पहुंचना है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, नमस्ते।